आप लोग भी संस्था में आके अपने को एकोमोडेट कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस है। सुनिएगा तो चौक जाइए, हमारे चैनल के उन व्यूअर्स तक आपकी बात पहुंचोगी जो कि जिनके परिवार में या जिनके अगल बगल पड़ोस में कैंसर से पीड़ित होंगे और वो ठीक होंगे और उनका जो नेक्स्ट जो लहर 5-10-15-20 साल में जो आने वाली है वो कैंसर की लहर आने वाली है। जो मुंबई ऐसा शहर है, सब कुछ मिलता है मुंबई में, आप पैसा कमा सकेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो समस्या है वो रहने की और खाने की बहुत बड़ी समस्या है। ये धर्मशाला केवल 50 रुपए में रहने की प्रबंध करता है और तो हम ट्रस्ट के माध्यम से उनको पेशेंट को आर्थिक सहायता है, रहने का प्रबंध है, खाने का प्रबंध है, मेडिकल में केवल एक ड्रेस लेके परिवार के साथ आता है, बच्चे के कपड़े फटे हुए रहते हैं, बीवी की साड़ी फटी हुई रहती है, उनका ड्रेस पहन के सचमुच ऐसा लगता है कि हमारा देश आज, हम तो बहुत दिल्ली में रह के बात करते हैं कि हम डिजिटल साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें, आने के लिए पहले तो खुद का टिकट निकाल के लेके आना पड़ता है, तो उसके बाद 500-1000 रुपये भी नहीं रहते, तो वो पैसा भी हम उसके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ताकि अगर वो टिकट लेकर आता है तो टिकट का पैसा भी हम। पूरे महाराष्ट्र में तो 125 संत गाड़गे जी महाराज की संस्थाएं हैं, जिसमें 125 है, उसमें से 80-90 स्कूल है, शिक्षा भी देते हैं, रोज कम से कम 150-200 पेशेंट वहाँ आते हैं। महाराष्ट्र कहते हैं, सबसे पहले ये बताइए कैंसर हुआ, सूचना मिली क्या रिएक्शन? श्री देशमुख साहब जी से मुलाकात करवाई, इनसे मिलने के बाद हमें लगा कि इस क्षेत्र में जांच के उपरांत जो पता चला उसमें कैंसर बहुत निचले स्तर से अभी शुरू होने की कगार पे था। क्या लक्षण होता है शुरुआती दौर में? क्या दरभंगा की दो महिलाओं से मिलाए जो बेचारी इनका घर भी दह गया था पानी में, उनको इन्होंने घर बनाने तक उत्थान के लिए आज काम कर रहे हैं, वो चेक लेकर घूमते हैं, ऐसा देखते हैं कोई गरीब पेशेंट है, अगर कोई तंबाकू खाता होगा तो उस पे लिखा हुआ रहता है तंबाकू से कैंसर हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत, मैं रैना सिंह, आप शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल देख रहे हैं। खास बात पूरे भारतवासियों के लिए होगी, यह बात उन गरीबों के लिए होगी जो कि कैंसर से पीड़ित हैं, यह बात उन लोगों के लिए होगी जो कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में अपना कैंसर का इलाज करा रहे हैं और उनके पास पैसा नहीं है और वो अकोमोडेशन खोज रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए आज बात होगी। और आज हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जो कि पूरे भारतवासी उन पर गर्व करते हैं। जी हाँ, जिस तरीके से ये अपने संस्था को इनके पूर्वज के द्वारा संचालित किया गया और ये तीसरी पीढ़ी हैं और इनके पिताजी भी ने वही संस्था को रन किया और उसके बाद इन्होंने संस्था को रन किया, उसके पहले इनके दादाजी ने संस्था को की शुरुआत की थी आज से कई साल पहले, यानी कि 1902 की ईस्वी में इन्होंने संस्था का चालू इनके दादाजी ने किया था। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं प्रशांत गोविंद राव देशमुख जी, जो कि महाराष्ट्र से चलकर बिहार में आए। और हाँ, हम आपको ये भी बता दें कि हम आज ऐसे शख्स से भी मिलाएंगे जिन्होंने कैंसर को मात दिया। कैंसर शब्द जो है वो आप सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैंसर शब्द ऐसा है, अगर किसी परिवार में हो गया, किसी व्यक्ति को हो गया, तो वो कैंसर से मरे या ना मरे, वो ताना सुन के उसकी आधी जिंदगी पार हो जाती है और वो मौत के काल में चला जाता है। लेकिन इस कैंसर को हरा के हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती के लाल, भोजपुर के माटी के लाल ने हराया और इस संस्था का किस तरीके से योगदान रहा, और आप लोग भी इस संस्था में आके अपने को एकोमोडेट कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस है, सुनिएगा तो चौंक जाइएगा, मात्र 50-70 रुपया इस तरीके के प्राइस में आप महाराष्ट्र जैसे महानगर में आप कैंसर का इलाज करा सकते हैं। इन्होंने बिहार में भी अभी मुजफ्फरपुर में अपना चालू किया है और क्या कुछ कह रहे हैं, तो सीधे बात करते हैं इनसे और जानते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में आशा एक भारत में। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। खासकर आरा में हम लोग काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं कि आप आरा आए हैं और हमें इंटरव्यू दे रहे हैं, आशा एक भारत की टीम को इंटरव्यू दे रहे हैं। हमारे चैनल के उन व्यूअर्स तक आपकी बात पहुँचोगी जो कि जिनके परिवार में या जिनके अगल बगल पड़ोस में कैंसर से पीड़ित होंगे और वो ठीक होंगे और उनका इलाज होगा। सबसे पहला सर सवाल यही रहेगा, जब कैंसर होता है तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है? आज कैंसर यानी जो कैंसर यानी कैंसर, ऐसा आज लोगों के इसमें भ्रम है। लेकिन मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मुंबई, महाराष्ट्र में जो मुंबई शहर है, ये देश का आर्थिक राजधानी है और उसी मुंबई शहर में महाराष्ट्र या संतों की भूमि है। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम और संत गाड़गे महाराज एक ऐसे संत हो गए जिन्होंने 100 साल पहले मानव सेवा यही ईश्वर सेवा है यह संदेश ही नहीं दिया, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में संस्थाओं का निर्माण किया, समाज का उत्थान के लिए संस्थाओं का निर्माण किया। और अब अभी जो बात कर रहे हैं कैंसर का, भारत यह अपना विशाल खंड प्राय देश है, हिंदुस्तान यह 2 नंबर का आबादी का देश है और आज हमारे आने वाले भविष्य काल में सबसे बड़ी
केंद्र सरकार के सामने जो समस्या रहेगी वो कैंसर का, हम तो कोरोना में से तो हम निकल चुके हैं, लेकिन अभी जो नेक्स्ट जो लहर 5, 10, 15, 20 साल में जो आने वाली है वो कैंसर की लहर आने वाली है। तो मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस पर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुंबई शहर में टाटा मेमोरियल सेंटर एक ऐसा अस्पताल है जहाँ पर गरीब लोगों का कम से कम दामों में ही नहीं बल्कि निःशुल्क इलाज किया जाता है। तो इसके बारे में तो लोगों को पता नहीं रहता है, लोग पहले आरा जैसी शहर में ट्रीटमेंट लेते हैं, फिर पटना जाते हैं, फिर पैसा ख़त्म होने के बाद मुंबई शहर जाते हैं। तो आज सभी लोगों को मैं विनंती करता हूं कि किसी को भी अपने क्षेत्र में या अपने परिवार में अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो आप निश्चित पहले डॉक्टर का राय लीजिए। लेकिन जो गरीब से गरीब है, जिसके पास कैंसर बीमारी के इलाज के लिए पैसा नहीं है, वो मैं उनको विनंती करता हूँ कि मुंबई शहर में आए, वहाँ टाटा मेमोरियल सेंटर है, उसके बगल में ही संत गाड़गे महाराज मिशन धर्मशाला ट्रस्ट है। तो इस ट्रस्ट के माध्यम से गए 30-35 साल से कैंसर रोगियों की सेवा की जाती है। जो मुंबई ऐसा शहर है, सब कुछ मिलता है मुंबई में, आप पैसा कमा सकेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो रहने की और खाने की बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप कोई इलाज के लिए आता है तो होटल में कितना दिन खाना खाएगा? आज इतनी महंगाई बढ़ गई है मुंबई में, आपको खाना खाने के लिए एक आदमी का खर्चा कम से कम दिन का 300-350 रुपया खर्चा आता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को यही विनंती करता हूं कि वह संत गाड़गी जी महाराज धर्मशाला है, आज उस धर्मशाला में 750-800 लोग निवास रह रहे हैं। ये धर्मशाला केवल 50 रुपये में रहने की प्रबंध करता है, और कितने दिन 50 रुपये में एक दिन का चार्ज है। पेशेंट जब आता है, जब तक उसका इलाज चलता है, ताकि एक महीना रहो, 8 दिन रहो, 2 महीना, 3 महीना, अगर कोई ब्लड कैंसर का पेशेंट रहता है उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, छोटा बच्चा रहता है, तो उसको कम से कम 6 महीने तक उसका इलाज चलता है। आप संस्था में रखते हैं 6 महीने तक? हम 6 महीने तक ही नहीं, डॉक्टर अगर हमको 1 साल का लेटर लिख के दिया तो हम 1 साल, हम इतना गारंटी लेते हैं कि जो भी पेशेंट धर्मशाला में आता है उसको हमको ठीक कर भेजना है, ये हमारा संस्था का लोगो है। क्या क्या फैसिलिटी रहती है आपकी संस्था में? उसमें सबसे पहले सुबह पेशेंट को दूध का वितरण करते हैं निःशुल्क, केवल रहने का 50 रुपये लेते हैं, क्योंकि मुंबई जैसी शहर में प्रॉपर्टी टैक्स है, बाकी इलेक्ट्रिसिटी है, मेंटेनेंस का भी खर्चा आता है, ये केवल 50 रुपया, रूम का 70 रुपया ये मेंटेन चार्जेस लिया जाता है। बाकी सुबह का दूध से लेके इतना ही नहीं बल्कि सुबह का खाना निःशुल्क दिया जाता है। फिर जब पेशेंट 5-6 बजे अस्पताल से ट्रीटमेंट लेकर आते हैं, सबको सीजनेबल फ्रूट्स दिया जाता है, एप्पल डेली दिया जाता है, बनाना है, हल्दी का दूध है, कोरोना काल में पूरा हल्दी का दूध का वितरण किया, और शाम का भोजन ऐसा 4 टाइम का खाना वहाँ पर निःशुल्क दिया जाता है। कम से कम 1300 से 1500 लोग वहाँ अन्नदान का लाभ लेते हैं। इतना ही नहीं बल्कि मुंबई शहर में अनेक दानदाता है, वो हमको कहते हैं कि अगर कोई पेशेंट रहा, किसी को मदद करना है तो हम मदद करने के लिए आते हैं। तो खाने के अलावा अगर कोई किसी पेशेंट के पास कुछ भी पैसा नहीं रहे तो उसके इलाज के लिए भी अपन आर्थिक सहायता करते हैं। तो बीच में पेशेंट आया था बोन मैरो ट्रांसप्लांट का, उसको डॉक्टर ने 25 से 35 लाख रुपए बोला है, लेकिन 3 महीने में उसके लिए हमने 35 लाख रुपए इकट्ठा किया। 1 लाख रहो, 2 लाख रहो, कितना भी रहो, मुंबई ये माया नगरी है, बहुत दानशूर व्यक्ति है, दानदाता है, बहुत है, बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट है जो पेशेंट के लिए आर्थिक सहायता करते हैं। तो हम ट्रस्ट के माध्यम से उनको पेशेंट को आर्थिक सहायता है, रहने का प्रबंध है, खाने का प्रबंध है, मेडिकल के लिए आर्थिक सहायता है। इतना ही नहीं, अगर कोई पेशेंट आता है तो एक बैग लेकर आता है, उसको पता नहीं रहता है कि मुझे 15 दिन रहना या 1 महीना, केवल एक ड्रेस लेके परिवार के साथ आता है, बच्चे के कपड़े फटे हुए रहते हैं, बीवी की साड़ी फटी हुई रहती है, उनका ड्रेस पहन के सचमुच ऐसा लगता है कि हमारा देश आज, हम तो बहुत दिल्ली में रह के बात करते हैं कि हम डिजिटल साइंस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभी भी इस कम्युनिटी ऐसे है कि जो गरीब से गरीब, पीढ़ियों से गरीब से गरीब रहता है, और कैंसर बीमारी जब उस परिवार को लग जाता है तो पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे लोगों को हम वहाँ कपड़ों का भी संत गाड़गे महाराज ट्रस्ट की ओर से कपड़े देते हैं। इतना ही नहीं, कोई पेशेंट हमको अगर बिहार से कौन से भी डिस्ट्रिक्ट से अगर फ़ोन करता होगा, उसके पास पैसा नहीं होगा अगर मुंबई में आने के लिए,
पहले तो खुद का टिकट निकाल के लेके आना पड़ता है, तो उसके बाद 500-1000 रुपये भी नहीं रहते, तो वो पैसा भी हम उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि अगर वो टिकट लेकर आता है तो टिकट का पैसा भी हम उस पेशेंट को दिया जाता है। देखिए डॉक्टर राणा संतोष कुमार सिंह हैं, ये आरा के ही हैं, ये हम आपको दिखा दें, इन्होंने भी कैंसर को हराया है, यही वो शख्स हैं जो कि कैंसर को हराए हैं और इन्हीं के संस्था में वो अपना इलाज कराए थे। मैं पूरी इनकी भी जानकारी इनसे लूँगा कि किस तरीके से इन्होंने हराया, क्या कुछ व्यवस्था थी वहाँ पर, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। लेकिन आज सर से बात करेंगे, देशमुख साहब से बात करेंगे, ये महाराष्ट्र से आए हुए हैं, इसके बाद सर के पास जाएंगे। सर सवाल है, आप एकोमोडेशन इतना अच्छा सुंदर दे रहे हैं, इतने लोगों को दे रहे हैं, तो सरकार कैसे कर पाते हैं? नहीं, हम सरकार से यही विनती करते हैं, आज मुंबई शहर में 5 धर्मशालाएं, तो आने वाले जो लोग हैं, पूरे महाराष्ट्र में कितना है? पूरे महाराष्ट्र में तो 125 संत गाड़गी जी महाराज की संस्थाएं हैं, जिसमें 125 है, उसमें से 80-90 स्कूल है, शिक्षा भी देते हैं, स्वच्छता का काम चलता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये ट्रस्ट का हमारा मेन काम है। लेकिन अभी मुंबई में जो 4-5 धर्मशाला है हमारा संस्था का, और क्योंकि आने वाले पेशेंट अभी भी हम देखते हैं कि टाटा मेमोरियल सेंटर के आगे फुटपाथ पर पेशेंट्स हुए हैं, उनका भी रहने का प्रबंध करने का है। अभी सब जगह सरकार तो नहीं देख सकता है ना, म्युनिसिपैलिटी है, उसके ऊपर भी बहुत लोड है, तो ये काम है, सामाजिक संस्थाओं का काम है। तो हमने सरकार में, भारत सरकार को भी विनंती किया है, स्टेट सरकार को भी विनंती किया है कि अगर हमको आने वाले जो लोग हैं, भविष्य काल में तो लोग आते ही रहेंगे मुंबई शहर में इलाज के लिए, लेकिन इनके लिए और धर्मशाला हमारा बनाने का और संकल्प है, तो उसके लिए हमने जगह के लिए सरकार के लिए आवेदन दिया है। महाराष्ट्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ अब बिहार में इनका कारबा जो है वो आ गया है, और बिहार में भी आपने SKMCH के ठीक बगल में आपने ये किया है, क्या कुछ किया है बताइए। 2021 फरवरी से टाटा मेमोरियल अस्पताल ने वहाँ डॉक्टर होमी बाबा कैंसर अस्पताल के नाम से सेंटर चालू किया है, क्योंकि नॉर्थ बिहार से बहुत सारे पेशेंट हेड एंड नेक के मुंबई शहर में आते हैं। अभी इसको इतने लोग आते हैं, सभी लोड मुंबई पर है, ये लोड थोड़ा कम होना चाहिए, ताकि आने वाले लोग भी, तो ये तो चलते रहेगा, लेकिन कम से कम उस पेशेंट को मुंबई शहर में नहीं आ सके, बिहार राज्य में इलाज हुए, इसलिए टाटा मेमोरियल सेंटर ने यहाँ होमी बाबा जी के नाम से अस्पताल चालू किया है, जिसका फरवरी 2021 से वहाँ पेशेंट के लिए OPD चालू हुआ है। रोज़ कम से कम 150-200 पेशेंट वहाँ आते हैं, और उसमें से 40-50 पेशेंट ऐसे रहते हैं जो कि मुजफ्फरपुर के बाहर से, जिला से आते हैं, कोई सीतामढ़ी से आता है, कोई गोपालगंज से आता है, बैकुंठपुर से आता है, मधुबनी से कोई आता है, आरा से आते हैं। हाँ, तो इनका रहने का तो समस्या रहती है ना सर, सब तो नहीं रह सकेंगे, होटल में पैसा खर्चा कर सके, पहले इनके पास पैसा नहीं रहता है, और रहने के लिए खाने के लिए इनका खर्चा ना हो, इसलिए हमने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को भी विनंती किया है, उन्होंने वो विनंती को मान्य किया है, और आने वाले समय में वहाँ भी एक संत गाड़गी जी महाराज के नाम से धर्मशाला बनना चाहिए। और मैंने बिहार वासियों को भी एक अपील किया, तो इतना लोगों का उस प्रोजेक्ट के लिए, सब लोग बोल रहे हैं कि हम उस प्रोजेक्ट के लिए हमारा भी कुछ हिस्सा बनना चाहिए, 1000 रुपये से लेके 1-1 लाख तक रुपये वहाँ दानदाता देने के लिए तैयार हो गए हैं। आपने एक बात बताया था, मैं ऑफ कैमरा में जब आपसे बात कर रहा था, कि 2023 तक या 2025 तक आपका पूरा फुल हो चुका है, हर एक दिन कौन कितना देगा और हर एक दिन का जो है पूरा आपने चार्ट तैयार कर दिया, कैसे ऐसे, मतलब ये कैसे हो गया, इतने लोग दान कर रहे हैं, ये कैसा, ये तो हम तो केवल निमित्त मात्र है, लेकिन जो चला रहा है ये सृष्टि जो चला रही है ये केवल ईश्वर ही चला रहा है, हम केवल पोस्टमैन जैसे काम करते हैं, और ये पृथ्वी जो चल रही है भगवान ही चला रहा है। तो मुंबई में सबसे ज़्यादा महंगाई ज़्यादा है, तो वहाँ हमने संत गाड़गी जी महाराज के नाम से 2015 में अन्न क्षेत्र चालू किया, क्योंकि मुंबई में धर्मशाला में रहना है तो भूखा तो कोई नहीं रह पाएगा ना, अगर उसके पेट में अगर अनाज नहीं होगा, खाना नहीं होगा, तो कैसे इलाज लेगा, इसलिए हमने 2015 में अन्न क्षेत्र चालू किया, उसको मुंबई से दानदाता ही नहीं, क्योंकि बिहार से भी हमको बहुत लोग फ़ोन करते हैं कि मेरे बेटे का जन्मदिन है, आप जन्मदिन के लिए मैं 5000 राशि देता हूँ, हमारे मुकेश जी है, हाल ही में उन्होंने मुझे 25000 रुपये का दान दिया है, दोनों टाइम का भोजन करने के लिए मुझे उन्होंने बोला है, कम ये अन्न क्षेत्र के मामले से
पेशेंट को पौष्टिक आहार मिले। और मुंबई जैसी शहर में तो बहुत दानदाता है, लोगों के पास बहुत पैसा है। सेंटर पे कितने मरीज आपके रहते हैं? कितने? हमारे यहाँ कम से कम 240 पेशेंट है और 550 उनके रिश्तेदार है। कैसे मतलब आप एक पेशेंट के साथ कितने रिश्तेदार या कितने? एक पेशेंट के साथ एक या तो ज्यादा से ज्यादा दो रख सकते हैं। और सबका मतलब जो है खाने का और रहने का सब व्यवस्था? धर्मशाला की जो बिल्डिंग है वो बीच में 5 माला की थी, अभी वहाँ पर 7 माले का हमने 2 एक्स्ट्रा FSI बनाकर बढ़ती भीड़ मुंबई शहर में देखते हुए और टाटा मेमोरियल में जो पेशेंट बढ़ रहे हैं वो भीड़ देखते हुए 5 माला का भी 7 माले का किया है। 150 रूम है वहाँ पर, बड़े बड़े हॉल है, कंपाउंड में लोग सोते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ सब कुछ सुविधा मिलती है, क्योंकि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में एक धर्मशाला के बारे में ऐसा प्रचार है कि अगर मुझे उस धर्मशाला में रहने के लिए जगह मिला तो मेरी ये कैंसर बीमारी ठीक हो जाती है। ठीक होके आए भी हैं आपके बगल में ही, जो कि साक्ष्य हैं। तो महाराष्ट्र में डॉक्टर राणा जी ने जाके इलाज कराया था, क्या कुछ ये बताते हैं, इनसे भी हम जानते हैं। अच्छा, आप महाराष्ट्र गए थे, सबसे पहले ये बताइए कैंसर हुआ, सूचना मिली, क्या रिएक्शन था? जी हमें तो जब शुरू में हमें आरा में दिखाए और मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है तो मेरा तो बिल्कुल, मैं बेचैनी में इतना हो गया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमारे पटना में डॉक्टर मित्र हैं, वो बोले कि सीधे आप मुंबई निकल जाइए टाटा मेमोरियल के लिए। कब आपका हुआ था, आपको कब कैंसर? पिछले जून में मुझे पता चला था, 2020 में। तो जब पता चला तो हमारे साले साहब नितेश कुमार जी जो इंजीनियर है हैदराबाद में, तो उनको हम लिए और सीधे फ्लाइट से वहाँ निकल गए। वहाँ निकले तो वहाँ हमारे बॉम्बे में जो मित्र थे वो सक्रिय हो गए और उसी सक्रियता में एक हमारे मित्र इनकम टैक्स में हैं, उन्होंने हमें श्री देशमुख साहब जी से मुलाकात करवाई। इनसे मिलने के बाद तो हमें लगा कि इस क्षेत्र में तो भगवान हैं। सबसे बड़ी बात है कि कैंसर पीड़ितों के लिए मुंबई जैसे बड़े शहर में रहने का एक बड़ा ही अभाव हो जाता है और उसमें इन्होंने इतनी बड़ी सुविधा प्रदान की और इसके साथ ही नहीं, इन्होंने इनकी सेवा भाव देखकर तो हम दंग रह गए कि इसके साथ उन्होंने हमें चिकित्सा की जितनी भी सुविधा थी, हॉस्पिटल से लेके धर्मशाला तक, खाने पीने से लेके। खाना कैसा था? खाना तो बहुत ही उम्दा तरीके का खाना था। जिस योगा वोगा भी होता था क्या? बिल्कुल बिल्कुल सारी सुविधा है। 12 बजे रात की को अगर आपकी तबीयत खराब होती है, एम्बुलेंस की सुविधा है, तत्काल ही अपने आदमियों से के साथ पेशेंट को हॉस्पिटल में भिजवाते हैं। कभी भी फ़ोन कीजिए, हमेशा खड़ा और सक्रिय रहते हैं। ऐसा तो महामानव शायद ही हमको लगता है कि धरती पर कभी कभी पैदा होता है, जिसको देशमुख साहब हैं। Yes, कैंसर को हराया आपने, उम्मीद थी कि आप कैंसर को हरा देंगे? जब तो हमें उम्मीद तब बनी जब हम देशमुख साहब के संसर्ग में आए और इन्होंने रोज़ बुला के वहाँ पर 4-5 लोगों से काउंसलिंग कराया, कहा कि देखिए ये 15 में लड़का आया था, ब्लड कैंसर का पेशेंट था और आज बिल्कुल स्वस्थ है। ऐसे ऐसे लोगों से मिले और उस धर्मशाला में तो रोज़ कम से कम 300-400 कैंसर के पेशेंट हैं, आरा से कम से कम 25-30 लोग वहाँ आज भी हैं और पूरे बिहार से। तो उन लोगों के बीच में रहकर ऐसा अनुभूति हुआ कि मैं कैंसर पर विजय प्राप्त कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हिम्मत होना चाहिए, हिम्मत तो बिल्कुल होना चाहिए। कितने दिनों में आपने इलाज कराया, कितने दिनों तक आप ठीक हुए? हमारी तो उतनी जांच के उपरांत जो पता चला उसमें कैंसर बहुत निचले स्तर से अभी शुरू होने की कगार पे था। क्या लक्षण होता है शुरुआती दौर में, क्या लक्षण? लक्षण तो ये होता है कि चेस्ट में थोड़ा दर्द हुआ, उसके बाद हमने एक्सरे कराया और उसमें सिस्ट नजर आया, तो इसी प्रकार का लक्षण आता है, बुखार उखार होता है और उससे पता चलता है आगे जब डायग्नोसिस होती है तो कि कैंसर है। जी जी। अच्छा, कितना पैसा लगा होगा रहने खाने का आपका वहाँ पे, इनके मतलब इनके संस्थान में रहने के बाद? जी ये इनके संस्थान में तो रहने का कोई खर्च ही नहीं है, मिनिमम खर्च इनके संस्थान में रहने का है और खाने पीने की सुविधा प्रदान करते हैं। अगर आप अपने में खाना बनाना है तो गैस और चूल्हे का भी प्रबंध ये कर देते हैं और तो वहाँ तो कोई खर्च ही नहीं है, कुछ खर्च नहीं है। लगा ही नहीं कि आप बिहार और आरा से गए? लगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं लगा, एक तो बिल्कुल नहीं लगा। और देशमुख साहब का पूरा परिवार इसी सेवा में है, छोटा भाई जो है वो आपको गौशाला चला रहा है, बड़ा भाई उसे छोटा वाला जो है मूक बधिरों का स्कूल चला रहा है, माताजी रोज आती थी वो भी सबसे कुशल क्षेम लेती थी, हम तो देशमुख साहब के ठीक बगल में ही रहते थे। और सबसे बड़ी बात है कि मुंबई जैसे शहर में जो 4-4 इतनी बड़ी धर्मशालाएँ 10 मंजिला चला रहे हैं, उनके रहन सहन का तो कहना ही नहीं है। इतना बड़ा जो दूसरे के लिए कल्याण कर रहा है, इतनी सिंप्लिसिटी में, साधारण रूप में इनका परिवार
और ये रहते हैं कि कोई कहना कल्पना नहीं किया जा सकता है। हम तो देखे कि दरभंगा की दो महिलाओं से मिलाए जो बेचारी जिनका घर भी दह गया था पानी में, उनको इन्होंने घर बनाने तक का पैसा दिया, अन्नदान दिया, हम ही से करवाए और थाली वगैरह का भी वितरण इन्होंने करवाया। बताए कि ये महिला जब आई थी 13 में तो फुटपाथ पर रहती थी और मैंने इसे बुलाकर कमरा दिया और अपनी बहन बनाकर रखता हूँ। इस तरह के अनेकों अनेक वहाँ कैंसर के पीड़ित मिले जो इनका जयगान करते रहते हैं, चूँकि आदमी ही ऐसे हैं ये। अच्छा, क्या कहना चाहिएगा वो जो कैंसर पीड़ित देख रहे होंगे या उनके परिवार देख रहे होंगे, उनको क्या कुछ कहिएगा? इनसे हमको यही कहना है कि आपको घबराना नहीं है, कैंसर अब वो नहीं है कि बहुत बड़ी बीमारी है, हिम्मत रखना है, इसका इलाज है और देशमुख साहब जैसे संत इस देश में मौजूद हैं जो आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं, इसलिए आपको सोचना नहीं है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात का है कि सोचना नहीं है, देशमुख साहब हैं और आप में हिम्मत होनी चाहिए कैंसर को हराने की। जिस तरीके से इन्होंने हराया है उस तरीके से आप भी हरा सकते हैं। सर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है वो हम आपसे अब पूछने जाएंगे, कुछ जो सवाल बच गए हैं। ये एक सवाल ये है कि कितने पेशेंट, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पेशेंट जो होते हैं टाटा मेमोरियल में वो कहाँ के होते हैं, मतलब कौन से राज्य के? सबसे ज़्यादा पहले ये अभी बोल रहा हूँ मैं, 10 साल पहले बिहार स्टेट के सबसे ज़्यादा होते थे, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल, लेकिन अभी थोड़ा वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में कैंसर का जो रेशियो है वो थोड़ा बढ़ रहा है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कैंसर इज़ क्यूरेबल, कैंसर इज़ क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्लियर। अगर हमको कुछ भी थोड़ा दर्द होता होगा, अगर कुछ हमारे बॉडी में सिम्टम ऐसे लगते होंगे, क्या क्या सिम्टम होते हैं जो शुरुआती सिम्टम होते हैं? सिम्टम्स आएगा, किसी को ब्लड कैंसर रहा तो उसको बीमारी आ जाती है, छोटा बच्चा रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो डॉक्टर बीमारी मीन्स बुखार आ जाता है, बैठ जाता है, दोबारा बुखार आता है, बैठ जाता है दोबारा, ऐसा 3-4 बार बुखार आ जाता है। फिर दिन पर दिन उनका जो हीमोग्लोबिन है वो कम होते रहता है, तो डॉक्टर उनको बोलता है हीमोग्लोबिन चेक करो, हीमोग्लोबिन बढ़ता नहीं है। फिर RBC काउंट जो है वो कम हो जाता है, तो डॉक्टर उस पर फिर जल्द से जल्द डॉक्टर का सलाह उस टाइम अपन ने लेना चाहिए। ये तो अपने का जो अपन डेली रहते हैं, अगर अपने बॉडी में अगर कुछ अनइजीनेस अगर अपने को लगता होगा तो तुरंत डॉक्टर की राय लेना चाहिए। और कैंसर के लिए अभी डरने की कोई बात नहीं है, अपना भारत देश इतना आगे जा चुका है, रिसर्च चल रहा है। पहले तो अभी कुछ दिन के बाद कीमोथेरेपी अभी जो है, अभी तो टैबलेट आ रही है कीमो की, एडमिट नहीं होना पड़ता है। और ब्लड कैंसर बीमारी पर भी हम बड़े बड़े बोन मैरो जो ऑपरेशन करते हैं उसके लिए भी हमारा देश आज बहुत मेडिकल लाइन में एक एडवांस टेक्नोलॉजी देश हमारा आगे जा रहा है। और कैंसर बीमारी अगर किसी को हो जाता है तो डरने की कोई बात नहीं है। अभी मैं धर्मशाला से देखता हूँ कि लाखों कैंसर पेशेंट अभी तक अच्छे होके गए हैं। मतलब ब्लड कैंसर भी ठीक हो जाता है? ब्लड कैंसर भी ठीक हो जाता है, लेकिन पहले उसका जो प्रोटोकॉल दिया रहता है डॉक्टर ने, उसका उस प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। खाली जो ओल्ड एज वाले रहते हैं, अबव 70 अबव 80, तो थोड़ा उनका बॉडी किस्मत कितना अपना रेजिस्टेंस पावर देख के उस पर वो इलाज डॉक्टर देते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं कि कई सारे लोग डर जाते हैं और महाराष्ट्र जाने के लिए घबरा जाते हैं, उन लोगों को क्या अपील करिए, उन लोगों से क्या कुछ कहिएगा और आपसे वो कॉन्टैक्ट कैसे करें? सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है, कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे आपसे? महाराष्ट्र के बारे में तो हम तो, आप TV वाले मुंबई के बारे में बुरा दिखाते हैं, मुंबई शहर में केवल गैंगवारी है, मुंबई शहर में दाऊद बैठे हैं, मुंबई माया नगरी है, वहाँ के लोग केवल ड्रग्स TV पर यही दिखाते हैं ना, लेकिन अच्छा काम कहाँ दिखाते हैं? हम दिखा रहे हैं। मुंबई शहर में इतने दान दाता है, ऐसा चेकबुक लेकर टाटा हॉस्पिटल के सामने दान दाता, फटे कपड़े पहनेंगे, गुजराती समाज है, मारवाड़ी समाज है, कितना मानव उत्थान के लिए आज काम कर रहे हैं, वो चेक लेकर घूमते हैं, ऐसे देखते हैं कोई गरीब पेशेंट है क्या, उसको मेडिकल सहायता की ज़रूरत है क्या, तो चेक से चेक ऐसे कितने मुंबई शहर में है। मुंबई शहर तो ये दानदाताओं की नगरी है, मुंबई बहुत अच्छा शहर है, लेकिन उसके बारे में मैं तो बोलता हूँ कि नहीं डरना चाहिए। आप स्टेशन के बाहर आए, अगर किसी को भी पूछो मुझे टाटा हॉस्पिटल का एड्रेस दिखाओ, संत गाड़गी जी महाराज का धर्मशाला का एड्रेस दिखाओ, वो रुक कर, इतना ही नहीं कुछ बंदे ऐसे हैं कि वो खुद टैक्सी का पैसा उस पेशेंट को देते हैं और बोलते हैं इनको टाटा हॉस्पिटल में छोड़ के, इतनी अच्छी नगरी है,
माया नगरी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र एक अच्छा है, मुंबई शहर एक अच्छा है। सर सवाल ये है कि कैसे कांटेक्ट करेंगे आपसे, जो पेशेंट हैं या पेशेंट के जो जो व्यूअर्स हैं हमारे वो देख रहे हैं, तो आपसे कैसे कांटेक्ट करें, कैसे आप? तो उसका प्रोसेस रहता है, पेशेंट ने सबसे पहले टाटा मेमोरियल अस्पताल में जाना चाहिए, अपना फाइल रजिस्टर करना चाहिए। रजिस्टर करने के बाद बाकी जो सोशल वर्क डिपार्टमेंट है वो संत गाड़गी जी महाराज धर्मशाला ट्रस्ट के नाम से एक लेटर लिख के देते हैं कि ये पेशेंट का नाम है, ये केस फाइल है, इस पेशेंट को इतना दिन रहने का तुम प्रबंध करिए। वो लेटर के आधार पर हम धर्मशाला में उनको एडमिट करते हैं। अगर कोई नया पेशेंट आता है तो जो पुराने पेशेंट आते हैं, बहुत सारे जो बिहार की ट्रेन आती है, उत्तर प्रदेश की ट्रेन आती है, वो सुबह 4 बजे आती है, 4:30 बजे आती है, 5 बजे आती है, वो तो लेटर तो हॉस्पिटल से नहीं लेकर आता है ना, तो उसका वो आते समय फाइल का जो जेरोक्स है वो वहाँ धर्मशाला के ऑफिस में सबमिट करना है और उसी आधार पर उनको धर्मशाला में एडमिशन मिल जाता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम महाराष्ट्र जब भी आएँ या महाराष्ट्र में आके हम आपके संस्था को ज़रूर विजिट करना चाहेंगे और अपने चैनल से ज़रूर दिखाएंगे, बिहार के उन गरीब लोगों तक भी ये बात पहुँचे, भारत के उन गरीब लोगों तक ये बात पहुँचे कि ऐसी संस्था है जो 1905 से रन कर रही है, लगातार रन करते जा रही है और कई सारे कैंसर पीड़ितों को अभी तक ठीक कराया है आप लोगों ने। क्योंकि एक अहम रोल ये भी हो जाता है सर कि इलाज तो दिया जाता है, साइंटिफिक इलाज होता है, लेकिन एक मनोबल जो है, एक विश्वास जो है वो आप दायर कर रहे हैं, आपकी जो अहमियत है वो उनसे कहीं भी कम नहीं। अपील कीजिएगा। मैं तो लोगों से यही बोलता हूँ कि मनुष्य देह, मानव देह अपने को मिला है, ये मानव देह सभी को नहीं मिलता है। तो मैं देखता हूँ कि आज हम तो बोलते हैं, सरकार कितना बोलता है, अगर कोई तंबाकू खाता होगा तो उस पर लिखा हो रहता है तंबाकू से कैंसर हो जाता है मेरा, लेकिन उसको थोड़ा जो आप जो दिन भर चबाते रहते हैं, मेरा हाथ जोड़कर नम्र विनंती है कि उसको व्यसन तो सब आदमी को रहता है, लेकिन उसका लिमिट से अगर वो उसका उपयोग करे तो ज़रूर हमारा देश आगे जाएगा। सर किस किस तरीके से होती है सर, बात किया जाए कैंसर? अभी तो हम टोबैको तो हो गया है, लेकिन अभी आजकल हम जो खाना खाते हैं ऑर्गेनिक तरह का खाना खाते हैं जिसमें पेस्टिसाइड का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी जो बंगाल के जो पेशेंट बढ़ रहे हैं, बहुत से ज़्यादा मछली का प्रमाण उधर खाते हैं, मछली बहुत खाते हैं, वो मछली 8-8 दिन उसको प्रिजर्व रखते हैं, उसको क्या क्या केमिकल लगाते हैं, तो उसका अंश तो उस मछली में आ जाएगा ना। तो हम जो आज का जो खाना खा रहे हैं ये पूरा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का खाना खा रहे हैं, तो इसलिए आज ये थोड़ा बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है। और आज देखते हैं कि स्मोकिंग भी कितना, आज 12-17-18 साल के बच्चे लोग स्मोकिंग करते हैं, महिलाएं भी स्मोकिंग करने लगी है आज जो ऑफिस में जो काम करते हैं, तो ये थोड़ा इस पर कंट्रोल रहना चाहिए, यही मैं गुजारिश विनंती कर सकता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, आप बिहार आए हैं और आशा एक भारत पे आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। तो देखा आपने किस तरीके से इन्होंने सारी बातें रखी हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो भी जानकारी होगी आप सभी को प्राप्त हो गई होगी। खबर यहीं तक रखते हैं, और जो भी एक्सप्लेनेशन था वो हमने इनसे ही आपके थ्रू आप तक पहुँचा दिया है। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स कीजिएगा, आपको क्या लगता है कैंसर जो है किस तरीके से घात करती है, और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कैंसर को किस तरीके से जड़ से मुक्त करें हम सभी। इनका बहुत ही बड़ा सराहनीय कार्य जो है वो कर रहे हैं, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार भी ये आ गए हैं, तो बिहार के पेशेंट अब बिहार से महाराष्ट्र जो हैं वो कुछ दिन या कुछ महीनों के बाद नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ जब इलाज और यहाँ एकोमोडेशन जो इनके जैसे लोग, इनके जैसे संस्था के लोग करेंगे तो बिहार में ही कर पाएंगे। तो गर्व है हमें इन जैसे महापुरुषों पे। उम्मीद करते हैं कि आप इस खबर को ढेर सारा शेयर करेंगे ताकि लोगों तक ये बेहतरीन जानकारी जो है वो पहुंच सके। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। आप देख रहे थे शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत, मैं रैना सिंह सहयोगी रवि प्रकाश के साथ, आरा भोजपुर बिहार।